अक्टूबर 2022। ऑफिसेज में सारी गतिविधियां सामान्य तरीके से चल रही थी। कंटेंट राइटर्स गूगल बिंज जैसे सर्च इंजिन को यूज करके कंटेंट रिसर्च करके बढ़िया बढ़िया राइटअप्स को अंजाम दे रहे थे। कोडर्स अपने सबसे बड़े हथियार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बढ़िया से बढ़िया एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे थे। और सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स पोस्ट्स, ट्वीट्स और बुकमार्क्स का अनोखा ताना बाना बुन रहे थे। आया नवंबर 30, 2022। दुनिया में एंट्री लेता है चैट जीपीटी। अमेरिकन एआई रिसर्च लैब ओपन एआई द्वारा निर्मित एक रिवॉल्यूशनरी चैटबॉट है चैट जीपीटी, जिसे हम अपने दोस्त या सहकर्मी जैसे नेचुरल कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप इससे कोई भी सवाल पूछिए, ये उसका बब्बाकी से जवाब देता है। पर ऐसा तो हमारे रूम में बैठे इको डॉट जैसे डिवाइसेस काफी समय से कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी में ऐसा क्या खास है? चैट जीपीटी की खासियत है उसकी असीमित इंटेलिजेंस। छोटे मोटे क्वेश्चंस का आंसर तो इसके बाएं हाथ का खेल है। आपको किसी भी विषय पर डिटेल राइटअप चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट के अंदर अपने कंसोल पे चैट जीपीटी एक बेहद रोचक राइटअप प्रिंट कर देगा। आपको अपनी नई एड के लिए धमाकेदार पंचलाइन चाहिए, बढ़िया सजेशंस मिल सकते हैं। चाहे आपको रोचक रिडल्स चाहिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स या जिंगल्स, बस एक कमांड और कुछ ही सेकंड्स में बढ़िया बढ़िया सजेशंस चैट जीपीटी अपने कंसोल पे प्रिंट कर देगा। और चैट जीपीटी संवेदनशील भी है। अगर आप इससे कोई ऐसा सवाल पूछें जो मॉरली सही नहीं है, तो ये आपको उसका आंसर नहीं देगा। पर हाँ, अभी चैट जीपीटी कहीं से भी परफेक्ट नहीं है, बेसिक आंसर्स में भी गलतियां कर सकता है। पर हाँ, गलतियां करने पर उनको मान भी लेता है। चैट जीपीटी कितना इंटेलिजेंट है? US मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, वॉटहॉर्न स्कूल का MBA एग्जाम, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के लॉ कोर्सेज, ये सब एग्जाम्स चैट जीपीटी क्लियर कर चुका है। हालांकि ये UPSC के प्रीलिमिनरी एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाया। दुनिया भर में चैट जीपीटी के आने से खलबली है। कई नोटेड न्यूज़पेपर डेलीज की माने तो ये AI बॉट बहुत ही जल्द वर्चुअल डॉक्टर्स, लॉयर्स या बिजनेस एनालिस्ट का रोल ले सकता है। ये निरंतर अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। हम ह्यूमंस आराम के लिए, भोजन के लिए, घूमने फिरने के लिए अपने काम से ब्रेक्स तो लेते ही हैं, पर चैट जीपीटी ऐसी ब्रेक्स नहीं लेता। उसके मैसिव सिस्टम्स 24 घंटे अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, जो उसे स्मार्ट, काफी स्मार्ट बना रहे हैं। चैट जीपीटी जैसे ही करीब 25 टूल्स या तो डेवलप हो चुके हैं या बहुत जल्द ही डेवलप होने वाले हैं। इनमें से सबसे पॉपुलर है सर्च के बादशाह कहे जाने वाले गूगल का बार्ड। तो अगर आने वाले समय में ऐसे टूल्स वर्चुअल लॉयर्स, डॉक्टर्स और बिजनेस एनालिस्ट जैसे रोल ले सकता है, तो हम ह्यूमंस की जॉब का क्या होगा? बहुत से विकासशील देशों में एंट्री लेवल जॉब्स मिलना आज भी कठिन है, और चैट जीपीटी ने तो लेवल 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंटरव्यू भी हैंड्स डाउन क्लियर कर दिया है। तो अगर ऐसे ही सारे रोल्स ये AI टूल्स निभा लेंगे, तो उन मिलियंस कॉलेज ग्रेजुएट्स को जॉब कौन देगा? ये सारी कंसर्न्स जेन्युइन हैं। चैट जीपीटी जैसी जेनरेटिव और AI टेक्नोलॉजी हाईली स्किल्ड जॉब्स को रिप्लेस कर सकती है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। बेसिकली इस प्रीमाइस के पीछे दो स्कूल्स ऑफ थॉट है। एक जो मानते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करो और इनका यूज करके आगे बढ़ो, और दूसरे जो इनसे एप्रिहेंसिव होके इनके एडॉप्शन को रेजिस्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स AI की भेंट चढ़ जाएंगी। पर डरिए नहीं, क्योंकि AI ड्रिवन टेक्नोलॉजीज 97 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर देंगी। पर इन जॉब्स को पाने के लिए ह्यूमंस को अपने स्किल्स को और डेवलप करना पड़ेगा। तो क्या आप इन रैपिड चेंजेस के लिए तैयार हैं? सच ये भी है कि AI की ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले कुछ ही समय में AI की इंटेलिजेंस सिर्फ स्मार्टेस्ट ह्यूमन से स्मार्टर नहीं होंगी, बल्कि सारे ह्यूमन से स्मार्टर होंगी। रिनाउंड फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने 2014 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि AI का ज्यादा विकसित होना ह्यूमन रेस को एक्सटिंक्ट कर सकता है। तो क्या टर्मिनेटर राइज ऑफ द मशीन्स का स्काईनेट रियलिटी में सेल्फ अवेयर हो जाएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अरे भाई, इतना आगे मत सोचिए,
बी पॉजिटिव एंड रिलैक्स, क्योंकि पॉजिटिव सोच ही चैट जीपीटी और बार्ड जैसे जेनरेटिव एआई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। तो सोचिए कैसे आप इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। एआई का यूज कीजिए और उसको एम्ब्रेस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए।